गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ़ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विथ ऑक्सीजन एंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। सो आई रियली रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो अ फ्यू थिंग्स दैट आई रियली एम रिक्वेस्टिंग यू टू फॉलो। फर्स्ट, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। आई मीन वी हैव अ 35-year-old हु इज ऑन द वेंटिलेटर एंड वी आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल नाउ। सो वी डू नॉट वॉन्ट, वी रियली डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू बी इन दैट सिचुएशन। सो सॉरी भैया, आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में, अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है बिकॉज वी हैव नॉट बीन सो हेल्पलेस। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। राइट नाउ कोविड इज एवरीवेयर अराउंड यू। ओके, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स, मे बी यू आर मीटिंग योर फैमिली, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी मास्क्ड। ओके, जस्ट बिकॉज आपको अभी एक साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क एट ऑल टाइम्स अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो। तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशन डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, हु हैव निमोनिया, हु नीड ऑक्सीजन एंड हु विल नीड to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन के वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, इट्स अनट्रू। प्लीज़ टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के दो वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। डू नॉट टेक COVID-19 लाइकली। प्लीज प्रे फॉर द पीपल इन द हॉस्पिटल एंड प्लीज प्रे फॉर द फैमिलीज एंड द केयर टेकर्स ऑफ ऑल दीज पीपल इन द हॉस्पिटल। उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें। ओके, एंड बस घर पर रहो। आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पर रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके। फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड। तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन। ओके, आई थिंक अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल। ओके, एंड देन वी विल हैव टू वर्क ऑन नॉट
अलाउिंग अ थर्ड वेव. सो थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर, आई रियली लव यू. सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम अवर चैनल.